दो साल से मैं बहुत परेशानी झेल रही हूँ। रोज इंसुलिन लेती हूँ मैं, तो आज ऐसी स्थिति आ गई तो इंसुलिन के लिए भी पैसा नहीं है मेरे पास। जो मम्मी है और मेरे पिताजी तो खैर बेचारा कान से बहुत कमज़ोर है, तो मेरे जैसे जीजा जी है, बड़े भैया है, ये सब पैसे का व्यवस्था अपना जो है, जो भी रेघा जो रेघा लेते हैं ना, दवाई भी अपने ही पैसे से सर दवाई ला कर इंसुलिन। दूसरी बार फिर आई शुरू मिली, उसके लिए पैसा ही नहीं था। सोना में गोल्ड में देते हैं वहाँ पे लोन, तो लोन वहाँ से ले लो जितने भी जैसे भी, तो 1 लाख लोन लेकर के फिर वहाँ का प्राइवेट दवाई खरीद के लाए। छत्तीसगढ़ से लेकर के देश विदेश, तुर्की, फ्रांस, ऐसे कई ऐसे अनगिनत देश है जहाँ पर छत्तीसगढ़ की कलाकार रुक्मिणी चतुर्वेदी ने अपना और प्रदेश का नाम रोशन किया। कम से कम 40,000 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया कि ताकि वो उस कला के सहारे अपनी ज़िंदगी काट सके। लेकिन आज बड़े दुख की बात है कि इतनी बड़ी कलाकार रुक्मिणी चतुर्वेदी को अपने ही इलाज के लिए अपनी माँ के जेवर गिरवी रखने पड़े। छत्तीसगढ़ में कलाकारों की बात होती है, उनकी कला की बात होती है, लेकिन जब कलाकार उपेक्षित होता है और जब मुफलिसी के दौर से गुजरता है, तब उनकी मदद को कोई नहीं आता, और जब वे अखबारों की सुर्खियां बनती हैं उसके बाद में लोग या विभाग मदद को सामने आता है, लेकिन उससे पहले वो कितना कुछ झेल चुका होता है। हम इस वक्त मौजूद हैं रुक्मिणी चतुर्वेदी जी के घर में। रुक्मिणी जी पिछले कई दिनों से एडमिट थी, उनके शुगर को लेकर के और भी कई तकलीफें थी उन्हें, आईसीयू में वो 3 बार गई और डिस्चार्ज होकर हाल ही में घर पहुंची है। सेहत उनकी अभी भी सही नहीं है, पर क्या कुछ उनको परेशानी है हम अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहते हैं, इसलिए आज हम उनके घर पहुँचे हैं। दीदी, आप कब से आपको क्या क्या तकलीफ आ रही थी सेहत को लेकर? 2 साल से मैं बहुत परेशानी झेल रही हूँ। एक शुगर में तो बहुत परेशानी है मुझे, रोज़ इंसुलिन लेती हूँ मैं, तो आज ऐसी स्थिति आ गई तो इंसुलिन के लिए भी पैसा नहीं है मेरे पास। और उसके बाद में शुगर के कारण जो मैं जो आहार नली है उसमें थैली होता है, उसमें सूजन भी आ गया है। जब भी मैं कुछ खाना खाती हूँ, पानी पीती हूँ, असहनीय दर्द होता है, मैं बेहोश हो जाती हूँ। इस स्थिति में मैं शंकराचार्य हॉस्पिटल जुनवानी में एडमिट थी। 3 बार मैं आईसीयू रूम से वहाँ से निकल चुकी हूँ, फिर भी अस्वस्थ महसूस कर रही हूँ। बहुत कमजोरी है, मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही हूँ, यही पूरा समस्या है। दीदी, इलाज के लिए जैसे आप बोल रहे हैं कि अभी आपकी आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है, तो इलाज के लिए किस तरीके के आप मतलब पैसे भी जुगाड़ने पड़ते हैं? क्योंकि चीज़ ऐसी होती है कि जब आईसीयू में आप आते हैं वहाँ के बिल्स भी बहुत होते हैं, किस तरीके से आप लोगों ने जुगाड़ किया पैसे? जो मम्मी है और मेरे पिताजी तो खैर बेचारा कान से बहुत कमज़ोर है, तो मेरे जैसे जीजा जी है, बड़े भैया है, ये सब पैसे का व्यवस्था अपना जो है, जो भी रेघा लेते हैं ना, उसमें से कुछ पैसा उठा करके कम से कम 50,000 लाए। उसके बाद में आईसीयू का तो इतना रेट है, एक दिन का 10,000-20,000 है, तो बस 50,000 मिला था, उसी में मैं 10 दिन थी। उसके बाद में पूरा मुझे वहाँ से निकाल दी, फिर भी अस्वस्थ थी। 5 दिन बेड में भी वहाँ पर मैं थी, फिर भी बेहोश हो गई। फिर दूसरी बार फिर आई शुरू मिली, उसके लिए पैसा ही नहीं था। तो वहाँ एक MD सर है, राहुल गुलाटी डॉक्टर है, वो पूरा साथ दिए, दवाई पानी हर चीज़ का इलाज का पूरा वही अपना आर्थिक मदद किए। फिर उसके बाद थोड़ा सा सुधार आया, दवाई भी अपने ही पैसे से सर दवाई लाकर इंसुलिन भी खरीद के लाए। तो हाँ, अंदर आईसीयू में नर्स इंसुलिन लगाती थी, तब जाके मैं सही ज़िंदगी आईसीयू में मैं थी। स्वास्थ्य भी ठीक हुआ थोड़ा सा, लेकिन मैं डॉक्टर का बहुत मेहरबानी हूँ, इतना साथ दिए, इतने सहयोग किए। गुलाटी डॉक्टर मुझे 50,000 का आर्थिक मदद किए हैं। तो आप जैसे बताया कि माँ का जेवर भी गिरवी रखना पड़ा। हाँ, और उसके बाद में फिर दवाई पानी के लिए बाहर से दवाई खरीदना पड़ता है, उसके हाथ खाली हो गया। मैं बोली जो भी जैसे भी घर में होगा माँ, उसको आप मुथू फाइनेंस में वहाँ पे सोना में गोल्ड में देते हैं वहाँ पे लोन, तो लोन वहाँ से ले लो जितने भी जैसे भी, तो 1 लाख लोन लेकर के फिर वहाँ का प्राइवेट दवाई खरीद के लाए हैं।
जैसे आपको मिनी माता सम्मान से नवाजा गया, तो आपको किसी तरह की पेंशन या कोई आर्थिक मदद महीने में कोई फिक्स नहीं की गई क्या शासन से, या आयुष्मान कार्ड की जैसी सुविधा कुछ नहीं मिली आपको? आयुष्मान कार्ड बाद में मिला मुझे, वहीं पे तुरंत तत्काल बनवाए, पहले से नहीं बना था मेरे पास, तो वही गुलाटी डॉक्टर ने ही बनवा करके सब सुविधा वहीं पर ही दिए हैं। और सम्मान के रूप में कुछ राशि वगैरह उससे मिली थी, कुछ पेंशन जैसे कोई चीज़ आप लोग को हर महीने मिले ऐसे कुछ? मिनी माता सम्मान जब मिला ना तो 2 लाख मिला था, तो 2 लाख में क्या है कि 5 के अब जो मिला था वो 5 साल हो गया, तो क्या है कि बीच में जैसे कि पारिवारिक में जो भी जैसे भी कुछ आर्थिक सहयोग थी, तो मैं महिला उत्थान के क्षेत्र में उस पैसे को मैं लगा दी। तो आज जब आप बीमार हैं, अकेली हो गई हैं, इतनी उपेक्षित हैं, तो शासन प्रशासन कोई पूछने आया आपको कि क्या? जब कोई नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया, बस मीडिया वाले लोग गए थे वहीं पर, तो ICU में जब मैं थी ना तो वहीं पे फ़ोटो खींच करके ICU में थी वहाँ फ़ोटो खींच करके फिर नवभारत पेपर में दिए हैं, आज पत्रिका में भी आया है, वही फ़ोटो आया है। तो अभी अभी क्या चाहती हैं, अभी किस तरीके से, क्योंकि आप जैसे कलाकार कई ऐसे होंगे जो आप जैसी स्थिति में गुजरों, कोई उम्र दराज हो गए, तो कैसी मांग है कि कलाकारों को कम से कम कुछ मदद मिल पाए? हाँ, कम से कम पेंशन मिल जाए, 5,000 तक पेंशन मिल जाए, ताकि आर्थिक स्थिति भी सुधर जाए, और मैं और महिलाओं को अच्छा सब नारी उत्थान के लिए मैं काम कर सकूँ। एकदम बिल्कुल हाथ खाली है, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, तो इससे मैं अपना जान बचा पा रही हूँ ना कुछ, मैं बाहर महिलाओं के लिए कुछ कर पा रही हूँ, तो मैं शासन प्रशासन से मैं अनुरोध कर रही हूँ अभी फिलहाल मुझे आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए मुझे कुछ राशि की ज़रूरत है और पेंशन लागू कर दें, यही मेरी मांग है। जी हाँ, ये है रुक्मणी चतुर्वेदी जी, इनकी बातें आपने सुनी कि किस तरीके से कितनी तकलीफ से ये अपने दिन काट रही है, और कहीं ना कहीं ये समाज की भी जिम्मेदारी कि अगर ऐसे कलाकार हमारे शहर में, ये हमारी धरोहर है, और ऐसे कलाकारों की मदद के लिए हम शासन प्रशासन का मुंह क्यों ताके। कई समाज सेवी ऐसे कई संस्थाएँ ऐसी हैं कि जो इनकी मदद के लिए भी आगे आ सकती है, और हम अपने IBC चैनल के माध्यम से लोगों से अपील भी करेंगे कि आपसे जितना भी बन पड़े इस कलाकार की मदद जरूर कीजिएगा। कोमल धनेसर, IBC 24, भिलाई।